प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम योहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमेन। जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम जिंदगी का जा, जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, तेरे मेरे पापों का बोझा, जिंदगी का देव ही यारा, तेरे मेरे पापों यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, मारो सब नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो सब नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का देव ही यारा, दुनिया को दे दो ये पैगाम,
जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम जिंदगी का आजा, जिंदगी का देव ही यारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़े समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया है प्रभु तेरे वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट तेरे करीब और ज़्यादा आने पाए प्रभु, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में ढेर सारे बातों को सीखने के जा रहे हैं। आज का जो विषय है वो भी दिखने में बहुत नॉर्मल रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और निश्चय आज कुछ एक बात नया अंदाज में आप सीखने के जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रभु ने बात की है एक नए अंदाज से हमें भी पहली बार बात किया है। इसीलिए मैं स्वयं इस अंदाज में कोई किताब में पढ़ा नहीं हूं, आज पहली बार फ्रेश आ रहा है, इसलिए आपको एक फ्रेश आत्मिक मन्ना मिलने को जा रहा है। प्रेज गॉड, आर यू रेडी? आइए हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संध्या के समय में परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के साथ में प्रभु जी लॉर्ड रूबरू होते हैं। प्रभु जी हमसे बातें कर, अपना चेहरा दिखा, अपने महिमा दिखा, अपने आवाज को लेकर आप प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, ताकि प्रभु जी हम ढेर सारे बातों को सीखने पाए, हमारा आत्मिक जीवन को संवारने पाए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो बहुत समय से हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और वो है पैरेबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत, और आज पार्ट 19 में हम लोग जा रहे हैं। सो आज जिस थीम में मैं बात करने को जा रहा हूँ वो है द अनफॉरगिविंग सर्वेंट, एक ऐसा नौकर जिसने क्षमा नहीं दिया, जिसने क्षमा नहीं किया, एक ऐसा नौकर के विषय में। और हम लोग इस दृष्टांत में कई बातों को हम लोग सीखने और समझने को जा रहे हैं। आइए, ये दृष्टांत कहाँ पर लिखा है उस हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 23 से 35 तक, 23 से 35। आइए इसमें क्या लिखता है, कुछ कुछ पॉइंट में मैं अंडरलाइन करने के लिए कहूंगा, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने बाइबल को खोल सकते हैं अपने घरों में, और हम लोग इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखता है। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। ओके, यहाँ पर स्वर्ग का राज्य, जैसे हमने कहा कि यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग के राज्य के विषय में जब दृष्टांत वो कहता था तो उसमें ढेर सारे बातों को सिखाना चाहता था, यानी स्वर्ग के राज्य के अंदर में, या तो हम बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर के राज्य में हम लोग आ जाते हैं, उस राज्य के अंदर में कार्यकलाप, उसमें कारोबार, उसका जीवन शैली, उसका लाइफ स्टाइल कैसे होता है, उसके विषय में भी यीशु मसीह दृष्टांत देकर बहुत सारे बातों को समझाता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। ओके, तो स्वर्ग के राज में दास कहने से केवल जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं उनको ही केवल दास नहीं कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से संदर्भ यहाँ पर उठाया गया है, स्वर्ग के राज या परमेश्वर के राज के अंदर में हरेक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो परमेश्वर के दास या तो दासी के रूप में है, उनसे वो लेखा लेना चाहा, ऐसे कहा गया है। तो दृष्टांत में यहाँ पर उदाहरण दे रहा है, क्या लेखा ले रहा है, किस तरह से लिखा ले रहा है, किस बात के लिए, और लेखा लेने वाला बात किस चीज के साथ में जोड़ रहा है, इस तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जो ये मालिक जो है राजा है उसका स्वयं 10,000 तोड़े का कर्जदार था, 10,000 तोड़ा। ओके, ये इसको अंडरलाइन कीजिए, 10,000 तोड़ा ओके का कर्जदार था मालिक से। अब क्या हो रहा है आगे देखेंगे। जबकि
चुकाने को उसके पास कुछ ना था। अब 10,000 तोड़ा उसके पास में रह गया और चुकाने को उसके पास में कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अब देखिए, जब इसके पास में चुकाने को कुछ नहीं है तो किसके ऊपर में प्रेशर आ रहा है? देखिए, जब चुकाने को कुछ नहीं तो प्रेशर आ रहा है क्या? उसकी पत्नी और बाल और बच्चों जो कुछ इसके इसका है सब बेचा, माने उसका फैमिली बेचा जाए और जो सामान है, घर द्वार है, जो भी है उसको बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। यानी इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा कर्जा था जिससे कि अपना फैमिली लॉस हो रहा है और सारा जो धन संपत्ति है उसका लॉस हो रहा है। यहाँ पर इस चीज को दर्शाया गया है, यानी इसके ऊपर में ऐसा कर्जा था कि बहुत बड़ा प्रेशर है। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। स्वामी को क्या कह रहा है? ये सिखा रहा है धीरज धर। वो राजा है और परमेश्वर के राज में हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह स्वयं हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये जिसको जो कर्जा लिया हुआ है और कर्जा पटाने को कुछ नहीं उसके पास में, अब सब कुछ छीन लिया जाएगा ऐसे दिखाई दे रहा है, तो स्वामी से मालिक से कह रहे धीरज धर, मैं सब कुछ चुका दूंगा, मुझे मोहलत दे। ओके, उसके बाद कहा जाता है, क्या लिखता है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। क्या बोलते हैं? तरस खाकर उसे छोड़ दिया। सो ये राजा जो है ये तरस खाने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, परमेश्वर, वो जो है वो तरस खाने वाला है और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। कर्जा भी क्षमा कर दिया, उसे छोड़ दिया, कर्जा भी क्षमा कर दिया। आगे देखते हैं फिर क्या लिखता है। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। हाँ, इनके संगी दासों में से एक व्यक्ति जो था, जिसको अभी माफ कर दिया गया, उसके अंडर में एक व्यक्ति था और उसको कितना कर्जा दिया था? ये व्यक्ति जो माफी पाया, लिखा हुआ है 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। ओके, ऊपर में ये खुद कितना में कर्जा में था? 10,000 तोड़े, एक वास्ट अमाउंट है। उसको मैं तुलना कर सकते हैं 1,00,000 रुपया। ओके, और समझ सकते हैं 500 रुपया, 1,00,000 रुपया, 500 रुपया, इस प्रकार का फासला है। ओके, तो 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार उन दिनों में जो होता था ना, एक दिन का लेबर कॉस्ट इस तरह से लगभग पड़ता था। एक दिनार एक दिन का लेबर चार्ज होता था। 100 दिनार का कर्जदार था। फिर आगे उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा। हाँ, अब देखिए, उसके अंडर में एक व्यक्ति काम करता है, उस या तो कोई है जिसको 100 दिनार दिया था और वो जब चुकाने नहीं पा रहा था उसका गला पकड़ा ये व्यक्ति, जो कि 10,000 तोड़े का माफी पा चुका है लेकिन उसके नीचे वाले को माफ नहीं कर रहा है और उसका गला को पकड़ रहा है, लिखता है। ओके, फिर जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। या ये जो नीचे वाला जो है उसने इसको कह रहा है धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। और ये इसी प्रकार का प्रेयर रिक्वेस्ट, सेम प्रेयर रिक्वेस्ट अपने मालिक से, राजा से उसने कहा था धीरज धर, मैं दर दूं। जब इसका प्रेयर जब जाता है तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रहण होता है, लेकिन इसके पास में इसके नीचे वाला व्यक्ति जब सेम प्रेयर कर रहा है तो उसका प्रेयर रिक्वेस्ट को ये व्यक्ति ग्रहण नहीं कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, आगे देखेंगे। उसने ना माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसने नहीं माना और क्या लिखता है, जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। एक केस लगाया होगा इसके ऊपर में। फिर कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। और भी संगी दास लोग थे, इस बात को देखे कि ये व्यक्ति राजा से माफी पाया है लेकिन उसके अंडर में एक छोटा सा अमाउंट है, आराम से माफ कर सकता है लेकिन उसको माफ नहीं कर रहा है। बहुत दुखी हुए और वो लोग जाके स्वामी को या तो राजा को बता दिए। क्या लिखता है फिर आगे, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। हाँ, इसको अंडरलाइन करके रखिए, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी तो मैंने तेरा सारा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए
जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? Yes. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। उसने उसके स्वामी क्रोध में आया और दंड देने वाले हाथ के सौंप में के हाथ में सौंप दिया, फिर कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ओके, ये है दृष्टांत। इसको बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में एक प्रोग्राम है जिसमें क्षमा देना और नहीं देना का अकाउंटिंग होता है। इस संदर्भ में समझिए, अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है मुझे हिसाब बता बोल रहा है। तो क्षमा देना और नहीं देना को पैसा का लेन देन के साथ में डीलिंग के रूप में ला रहा है ताकि आप बेहतर समझने पाए। तो क्षमा देना जो होता है, किसी को पैसा का कर्जा किसी के पास में है, कोई लिया है, ओके, तो उससे उस पैसे का कर्ज से उसको माफ करने जैसा क्षमा देना भी वैसी है। परमेश्वर के राज में, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के राज में क्षमा देना और नहीं देना जैसे पैसा का अकाउंटिंग होता है, लेन देन का हिसाब किताब होता है, क्षमा देने का परमेश्वर के राज में पूरा पाई पाई हिसाब देना जरूरी होता है क्षमा के क्षेत्र में। क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, उसको डिमांड कर रहे हैं, जब तक पाई पाई ना चुका दे ये, तब तक दंड देने वालों के हाथ में रहेगा, बोल के लिखा हुआ है। पाई पाई ना चुका दे, यानी क्षमा देने वाला चीज बहुत बारीक है। अगर मैं किसी को 100 रुपया उधार देता हूं और सिर्फ 50 रुपया मैं उसे माफ करता हूं तो 50 रुपया पूरा हिसाब रहता है कि 50 रुपया उसको मुझे देना है। अगर मैं 70 रुपया उसको माफ कर देता हूं तो पूरा बराबर पक्का हिसाब किया जा सकता है कि 30 रुपया उसको लौटाना है। तो अकाउंटिंग जितना परफेक्ट होता है उसे बच नहीं सकता है, एक एक पैसा का लेन देन हिसाब किताब किया जा सकता है। उसी तरीके से क्षमा देने वाले बात परमेश्वर के राज में पूरा बारीक बारीक हिसाब किया जा सकता है। और परमेश्वर का एक सिस्टम है जिसमें बारीक बारीक वो हिसाब करता है, क्षमा दिया कि नहीं दिया। सो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मसीह का देह में, चर्च के अंदर में। हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन इस एरिया में क्षमा देना वाला क्षेत्र में हम फेल होते हैं हिसाब देने में, और इसका हिसाब परमेश्वर लेता है और लेगा। ये पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। अभी देखिए मत्ती 6:12 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब यीशु मसीह को कहे कि हमको प्रार्थना करना सिखा, तो चेलों को सिखाता है इस तरह से कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है इसी पृथ्वी पर भी पूरी हुई, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे। इस तरह से बोलते हैं, और ये पॉइंट में आते हैं, उसको बोलते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है ऐसे बोलने के लिए कहा, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, ऐसे नहीं लिखा हुआ है यहां पर। आपको क्षमा पाना है तो पहला किया है, तुम पहले क्षमा दो बोल रहे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जो पॉइंट जो लिखवा है ना, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों बहुवचन है, कई बार क्या करते हैं, 4 व्यक्ति को माफ कर देते हैं, 1 व्यक्ति को छोड़ देते हैं, लेकिन क्षमा के एरिया में हिसाब किताब है, पैसा जैसे हिसाब किताब किया जाता है। प्रभु चेक करेगा कि आपने 4 व्यक्ति को क्षमा किया, 1 व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इस व्यक्ति को तो देखने से मुझे घृणा आता है, यदि इस व्यक्ति को तो मैं क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन वो 1 व्यक्ति को जो क्षमा नहीं करना आपको फंसा सकता है परमेश्वर के राज्य में। आपको लेखा देना पड़ेगा, हमको लेखा देना पड़ेगा। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को
अपराधों को क्षमा कर। Praise God, wonderful। अंग्रेजी में अपराधों को क्षमा कर जो बात लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसी वचन को ऐसे मीनिंग में आता है, मत्ती 6:12 मैं पढ़ रहा हूं, एंड फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स, ऐसे लिखा हुआ है इसको, एक्चुअली ट्रांसलेट किया जाए तो हमारे उधारी को क्षमा कर, जैसे भी हम जैसे हम हमसे जो कर्ज लिए हैं हम उनको क्षमा करते हैं। ओके, हमारे इसका मतलब जो भूल है, अपराध है, ओके, ये पैसा का लेन देन और उधारी के सेंस में लिया जाता है, उधारी के सेंस में लिया जाता है। जैसे बोलते हैं हमारे उधारों को, आपसे कर्ज, हम कर्जदार हैं प्रभु हमें क्षमा कर, जैसे कि हमारे कर्जदार को हमने क्षमा किया। समझ रहे हैं, इसीलिए ये दृष्टांत में कर्जदार वाला बात को ला के समझाने की कोशिश की है, और सेम चीज को प्रभु की प्रार्थना में मत्ती 6:12 में हमारे उधारी को क्षमा कर, छोड़ दे, माफ कर दे प्रभु। ओके, जैसे भी जैसे कि हमने दूसरों का कर्जा को माफ किया, प्रभु की प्रार्थना में एक्चुअली ऐसे है, लेकिन हम लोग बोलते कैसे हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन रियल सेल्स में आता है, जिस प्रकार हमने हमारे हमारे कर्जा को आप क्षमा कर दे, कर्जा वर्ड कर्जा को क्षमा कर दे, जैसे कि हम हमसे जो कर्जा लिए थे हमने उनको क्षमा किया है, इस सेंस में है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, तब क्षमा देने वाला बात बेटर आपको समझ में आएगा, बेटर आपको समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसका मतलब यह होता है कि क्षमा के एरिया में हिसाब किताब बैठाया जा सकता है, किसने कितना क्षमा किया, किसने कैसे क्षमा किया, क्योंकि हृदय में कभी कभी हम लोग पूरी रीति से क्षमा नहीं किए रहते, वो हिसाब बैठाया जा सकता है पूरी रीति से। कभी कभी ऐसे करते हैं, इसका ये 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 वाला अपराध को हम क्षमा करेंगे लेकिन ये वाला को नहीं करेंगे, ये हिसाब में बैठेगा कि क्योंकि पैसा को जब हिसाब करते बराबर कितना दिए कितना माफ किए वो सब अकाउंट कर किया जा सकता है, उसी तरह से क्षमा वाले एरिया में पूरा अकाउंटिंग हो सकता है। डॉक्टर अमोस सिंह, बिशप अमोस सिंह बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, रात को सोते समय जीरो बैलेंस कर लेना और सोना, ऐसा ना हो कि आपने जीरो बैलेंस नहीं किया है और मर गए रात को सोते सोते, तो पता नहीं आपका क्या होगा, ये बहुत खतरनाक चीज। अभी देखिए यहां पर क्या लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 18:35, यहां पर इस तरह से लिखता है, इसी प्रकार यदि तुम भी, इसी प्रकार, अब देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए, इसी प्रकार यदि तुम भी में से हर एक अपने भाई को मन से, असल में हृदय से होना चाहिए, हृदय से क्षमा ना करे, इसी प्रकार अपने हृदय से क्षमा ना करे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा। तो क्वेश्चन पूछिए आप अपने आप से, अगर क्षमा नहीं किए तो स्वर्गीय पिता वैसा ही करेगा, वैसा ही करेगा मतलब कैसा करेगा, कैसा करेगा, पूछिए अपने आप से अभी, यही है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से, मैं मन लिखा हुआ हृदय बोल रहा हूं, हृदय से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अभी पूछिए कैसा करेगा, अब बता रहा हूं कैसे करेगा, ठीक इसके ऊपर में लिखा है क्या करेगा, ये उसके ऊपर में लिखा हुआ है, मैथ्यू 8:34, हमने 35 पढ़ा, 34 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ऐसा करेगा, क्या करेगा, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। यहां पर लिखा हुआ है दंड देने वाला के हाथ में नहीं, ध्यान से सुनिए, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया।
इसका मतलब दंड देने वाले एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे दंड देने वालों हैं, वाले वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे, सब कर्ज भर ना दे, पाई पाई हिसाब ना हो जाए, तब तक उनके हाथ में रहे। तो दंड देने वाला क्या करेंगे? दंड देते रहेंगे। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? यहां पर दंड देने वाला लिखा हुआ है, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, आप गहराई से तह तक जा सकते हैं। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, दंड देने वाला जगह में एक वर्ड यूज किया गया है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। एंड हिज लॉर्ड वॉज रॉथ, मतलब क्रोधित हो गया, रॉथ मतलब क्रोधित हो गया, एंड डिलीवर्ड, सौंप दिया हिम टू द टॉर्मेंटर्स, लिखा हुआ है टॉर्मेंटर्स, टिल ही शुड पे ऑल दैट वॉज ड्यू अनटू हिम, मतलब टॉर्मेंटर्स लोगों के हाथ में सौंप दिया। टॉर्मेंटर्स मतलब होता है जो लोग प्रताड़ित करेंगे, माने प्रभु ये बोल रहा है अगर आप क्षमा नहीं करेंगे किसी को तो स्वयं परमेश्वर प्रताड़ित करने वालों के हाथ में सौंप देगा। ध्यान से सुनिए, आज का जो मैसेज है, आज का जो टॉपिक है और ये टीचिंग्स है, ये बहुत ही गहरा है और इसके कारण से आज बहुत लोग प्रताड़ित हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है टॉर्मेंटर्स, प्रताड़ित करने वाले हाथ में सौंप देंगे। ये प्रताड़ित करने वाले कौन है? ये प्रताड़ित करने वाले एविल स्पिरिट सब है। तुरंत कंक्लूजन मत निकालिए, प्रभु क्या करता है, इन एविल स्पिरिट लोगों के सर्कल में छोड़ देगा आपको, दुष्ट आत्माओं के जो आपको टॉर्मेंट करेंगे, जो आपको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि आपने व्यवस्था को तोड़ा है। क्षमा नहीं देना, ये यीशु का व्यवस्था है। जब व्यवस्था को तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, तो टॉर्मेंटर्स के हाथ में छोड़ेगा। मैं आपको एक वचन रेफरेंस देता हूं कि कैसे टॉर्मेंटर्स के हाथ में छोड़ता है परमेश्वर। ओके, इससे पहले दो वचन पढ़ते हैं हम लोग। एज़ा नबी का पुस्तक 45 का 7 क्या लिखता है, पढ़ेंगे। मैं उज्याले का बनाने वाला, हाँ मैं उज्याले का बनाने वाला, और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता, मैं शांति का दाता, और विपत्ति को रचता हूँ। इसको अंडरलाइन कीजिए, और विपत्ति को रचता हूँ। क्यों विपत्ति को रचता है, किसके लिए रचेगा? अंग्रेजी में और ज्यादा स्पष्ट है, और मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं बोला है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है आई फॉर्म द लाइट एंड क्रिएट डार्कनेस एंड आई मेक पीस एंड क्रिएट एविल। प्रभु ही दुष्टता को पैदा करेगा, क्यों? क्योंकि किसी को प्रताड़ित करना है। कब प्रताड़ित होगा वो व्यक्ति? जब क्षमा नहीं करेगा, कड़वाहट लेकर घूमते रहेगा तो एविल स्पिरिट के हाथ में सौंपा जाएगा ताकि वो प्रताड़ित किया जाए। ये परमेश्वर का भूल नहीं है, वो स्वयं उस व्यक्ति का भूल है। ओके, आपको याद है जब पहला राजा साउल हुआ और साउल के अंदर में धीरे धीरे कड़वाहट आने लगा, किसके प्रति? दाऊद के प्रति, और भूल करने लगा, भूल चालू हो गया। एक्चुअली अभी दाऊद एंट्री नहीं मारा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भूल करते गया तो टॉर्मेंटर्स का हाथ में छोड़ा गया। कैसे आप जानते हैं? पहला सामुएल 16 उसका 14 से 15 एक्चुअली दाऊद एंट्री नहीं मारा था यहां पर, ओके, लेकिन भूल करने के कारण से, देखिए मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ओके, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, उसका उपस्थिति चला गया। फिर लिखता है और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। इस वचन का आंसर आपको मिला आज? यहोवा क्यों दुष्ट आत्मा भेजेगा? वो तो पवित्र आत्मा देने वाला है। यस, ये जब भूल किया तो जब बोला कि पनिशमेंट देने वालों के हाथ में सौंपा जाएगा,
अंग्रेजी में टॉर्मेंटर्स लिखा हुआ है, माने प्रताड़ित करने वाला, ये प्रताड़ित करने वाला दुष्ट आत्मा भेज दिया, ये दुष्ट आत्मा भेज दिया, क्योंकि उसने व्यवस्था को तोड़ा था, या तो वहां भविष्यता का विरुद्ध में खड़ा हुआ, या तो अनज्ञाकारी हुआ। सामुएल जो बोला था परमेश्वर की ओर से उसको नहीं माना। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, इवन साउल के कर्मचारी लोग पहचान नहीं पाए, सुन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। देख रहे, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा घबराता है, यानी एक व्यक्ति अगर क्षमा नहीं करेगा, उसी संदर्भ में बता रहा हूं बाय रिवेलेशन यहां जो घटना हुआ है, एक व्यक्ति अगर क्षमा नहीं करेगा तो पिता वैसे करेगा, बोल रहा है, क्या करेगा, टॉर्मेंटर्स प्रताड़ित करने वालों के हाथ में सौंप देगा, यानी डीमन स्पिरिट के हाथ में सौंप देगा, ताकि वो लोग क्या करें, प्रताड़ित करें उसको, ताड़ना मिले, और जब तक वो ठीक ठाक ना कर ले, पाई पाई कर जाना चुका दे, हिसाब किताब ठीक ना कर ले, यानी क्षमा ना दे दे, जिसको आप किसी को क्षमा नहीं दे रहे हैं तो आप ताड़ना प्राप्त करेंगे। किधर से? दुष्ट आत्मा सताएगा आपको। पागल नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दुष्ट आत्मा सता रहा है तो कोई पागल ही हो जाएगा, लेकिन दुष्ट आत्मा कई तरीके से सता सकता है, आपके लिए ऐसा बाधा क्रिएट कर देगा दुष्ट आत्मा, आप आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। रात के टाइम में आप सोएंगे तो नींद नहीं आएगा, सपनों में आपको कोई परेशान करने वाला आ जाएगा, ताड़ना, बेचैन रहेंगे आप। ओके, अभी देखिए इस बात को मैं सामने लेकर आता हूं, जो क्षमा नहीं करता है उसके ऊपर में एक टैग लग जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। वो क्या है? जो क्षमा नहीं करता उसमें एक पॉइंट लग जाता है, एक टैग लग जाता है, एक दाग लग जाता है। वो क्या है? मत्ती 18 का 32 पढ़ रहा हूं आपके लिए मैं। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए, दुष्ट दास, अंग्रेजी में विकेड सर्वेंट लिखा हुआ है। हम लोग सोचते हैं दुष्टता यानी दुष्ट आत्मा ही करता है, या तो जो मर्डर कर रहा है, जो 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 स्मगलिंग कर रहा है, जो जो बम ब्लास्ट कर रहा है, वो लोग दुष्ट लोग हैं। अरे नहीं, परमेश्वर के राज के अंदर में जो लोग क्षमा नहीं देने वाले हैं, प्रभु उनको दुष्ट बोलता है। कहीं देखिए, अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं किसी को तो कहीं इस लाइन में तो खड़ा नहीं है, दुष्ट बोल रहे हैं। तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, लेकिन जब उसने तुझसे क्षमा मांगा तो तुमने उसे क्षमा नहीं किया। एक बार अपने लाइफ को बैक में जाइए, आप में से कितने, हम लोग कितने सारे ऐसे भूल पाप ऐसे गंदगी में जी रहे थे, ऐसे ऐसे गुप्त में पाप था जो कि बाहर बताने लायक नहीं होगा, और परमेश्वर से आपने क्षमा मांगा तो एक शॉट में परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। लेकिन आप ही के सामने कोई भाई या कोई बहन एक मामूली सा कुछ भूल कर देता है, आप उसको क्षमा नहीं करने पाते हैं, आपको एक बड़े बड़े अपराध से, पाप से, 10,000 तोड़ा वाला और 100 दिनार, कितना फासला है उसमें, 10,000, ना जाने कैसे कैसे अपराध किए थे, पाप किए थे, वहां से परमेश्वर ने साफ किया, शुद्ध किया, अपने लहू से धोया। लेकिन आज आपके सामने, हमारे सामने कोई भाई या बहन से कुछ भूल हो जाता है, हम लोग उसको माफ नहीं करते हैं, पकड़ लेते हैं उसका गल्ला, अगर क्षमा नहीं करते हैं उस बात के लिए तो बोलता है तुम दुष्ट हो, बोलता है, दुष्ट दास बोलेगा। और दुष्ट लोगों के विषय में क्या बोला गया है, Isaiah 57 20-21 पढ़ेंगे, क्या लिखता है Isaiah 57 20-21। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। हाँ, दुष्ट लोग कैसे हैं? लहरा, देखिए दुष्ट, दुष्ट में अभी उधर का कैटेगरी मत सोचिए, जो मर्डर करता है, जो बम ब्लास्ट करता है, जो चोरी करता है, जो डाका डालता है, उसको हटाइए। यहां सिर्फ जो क्षमा नहीं देता है उसको दुष्ट बोल रहा है। अभी संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए, इस कॉन्टेक्स्ट में यह दृष्टांत जो समझ रहे हैं हम लोग, उसमें अपने आप को देखने की, झांकने की कोशिश कीजिए। ओके, क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, हाँ? जो स्थिर नहीं रह सकता, हाँ? और उसका जल मैल और कीच उछालता है। उसका जल मैल और कीच उछालता है। आप देखिएगा समंदर के किनारे,
जहां पर लहर सब आते रहती, मालूम कितना सारा गंदगी समंदर के में रहता है, उसको लेकर समंदर के तट में कई बार वो लोग क्या करते हैं, उसको जमा कर देते, फेंक देते हैं, लाश सबको फेंक देते हैं, बहते फेंक देते हैं। तो क्या बोल रहा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। दुष्ट लोग अगर क्षमा नहीं करते हैं तो ये हरकत करेंगे, उसका जल मैल और कीच उछालता है। अगर नहीं क्षमा दे के आप दुष्टता का टैग लगे हैं तो मैल और कीच उछालने वाले व्यक्ति हैं आप। क्यों? क्योंकि क्षमा जब नहीं करेंगे ना, उस कड़वाहट में नाना प्रकार के लोगों के विरुद्ध में आप कड़वाहट का बात सब बोलेंगे और कीचड़ फैलाएंगे कलीसिया के अंदर में, परिवार में, समाज में। बहुत खतरनाक चीज है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, यह है प्रतिफल, मेरे परमेश्वर की यही वाणी है। आप जान रहे हैं, पहले बात इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो टॉर्मेंटर्स, एविल स्पिरिट्स उसके हाथ में सौंपे जाएंगे, जो कि आपको प्रताड़ित करेगा। दूसरा चीज, क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु उनको दुष्ट बोलता है और दुष्टों को शांति नहीं बोलता है। तो क्षमा जब देना है तो कौन सा प्रकार का, कौन सा स्टैंडर्ड का क्षमा देना है हम लोग को, आइए देखते हैं कौन सा स्टैंडर्ड का क्षमा देना है। कुलुसियों उसका 3:13 आयत क्या लिखता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो, ओके, तो एक दूसरे की सह लो। पहला चीज है, आपको सहना पड़ेगा, सह लो एक दूसरे की, फिर और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर लास्ट पॉइंट को अभी याद, अभी इसको समझ देगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे 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 प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जिस तरीके से, वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने क्षमा किया, तो प्रभु ने कैसे क्षमा किया? प्रभु जो एक चीज को क्षमा कर देता है ना, उस बात को फिर से नहीं निकालता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं, हमने उस बहन को, उस भाई को क्षमा कर दिए हैं, लेकिन उसी बात को बार बार हम लोग क्षमा कर दिए हैं बोलते हैं, लेकिन उसी बात को निकालेंगे। मालूम उस भाई को ना, उन्हें ऐसे किया था ना, मैंने उसे क्षमा कर दिया, फिर और एक बहन के पास में जाएंगे, मालूम उसने ऐसे किया था, आपने क्षमा ही नहीं किया है। क्षमा करना मतलब ढांप देना होता है, उसको निकालना नहीं होता है, उसको उछालना नहीं होता है। आप अनजाने में या तो जानबूझकर आप क्षमा कर दी है बोल रहे हैं, लेकिन उसको बार बार रिपीट करके दूसरों के पास बता रहे हैं, वो क्षमा नहीं होता है। क्षमा मीन्स चैप्टर क्लोज, डोंट टॉक अबाउट दैट, प्लीज डोंट टॉक। लोग क्षमा नहीं जानते, इसीलिए क्षमा का एरिया ना पूरा हिसाब किताब हो सकता है। लेन देन में जैसे हिसाब किताब होता है ना, मैंने 100 रुपया दिया था, 70 रुपया आपने माफ किया तो 30 रुपया बचा है ना, जैसे बड़ा पूरा एक्यूरेट 30 रुपया बचा है ना, वैसे एक्यूरेट क्षमा किए हैं कि नहीं किए हैं पूरा आर पार दिखाई देगा, क्लियर कट। इसीलिए लेन देन का हिसाब से क्षमा को प्रभु ने इस दृष्टांत में रखा है। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। इफिसी 4:32 क्या लिखता है यहां पर, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये आज्ञा है, ये परामर्श नहीं है। हालेलुया। क्षमा नहीं करना हृदय से, इसका डेंजर क्या है? पहला डेंजर बता रहा हूं, आप अपना शांति खोएंगे। पहला, आप अपना हृदय का जो शांति है ना, उसको खो बैठेंगे क्षमा नहीं देंगे तो, चेकलिस्ट। दूसरा, आपका रिलेशनशिप, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में कट जाएगा, गड़बड़ा जाएगा क्षमा नहीं करेंगे तो। तीसरा, परमेश्वर से किसी प्रकार का आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा परमेश्वर से। चौथा, आप अपना अनंत जीवन भी खो बैठेंगे, खो सकते हैं। इतना खतरनाक चीज है क्षमा नहीं देना, इतना खतरनाक हो सकता है। ये 4 पॉइंट को कुछ रेफरेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 रेफरेंस देखेंगे और उसी समझ लेंगे, ये 4 पॉइंट उसी में छुपा हुआ है। क्या? पहला, हम अपना शांति को खो बैठेंगे, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कट जाएगा,
फिर परमेश्वर से हमको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। चौथा जो है, हम अनंत जीवन को खो बैठ सकते हैं, नहीं रहेगा हमारा अनंत जीवन में, अनंत जीवन। पढ़ेंगे अभी इसको समझने के लिए। पहला जो है ना, उसको 2:9-11 क्या लिखता है? जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। वो अब तक अंधकार में ही है, बैर रखता है मतलब क्षमा नहीं किया है, अब तक अंधकार ही में है। फिर आगे, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है बोलता है, और ठोकर नहीं खा सकता। वो ठोकर नहीं खा सकता, ठोकर, देखिए जब प्रेम कर रहे हैं तो ठोकर नहीं खाएगा। ठोकर नहीं खा रहे हैं मतलब आपको डायरेक्शन मिलेगा, आप एडवांस जा सकते हैं, लेकिन ठोकर खाएंगे तो आप गिरेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका टाइम लैप्स होगा। तो जब हम प्रेम करते हैं तो हम लोग ज्योति में रहते हैं, ठोकर नहीं खा सकते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है? जब हम लोग घृणा करते हैं, हमारे हृदय में क्रोध रहता है, उनके प्रति वो बैर रहता है, क्षमा नहीं रहता है, तो हम ठोकर खाएंगे और हम लोग गिरेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है? पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। देखिए अंधकार में चलता है मतलब डायरेक्शन नहीं है, हाँ, फिर, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अंधकार ने, इतना बड़ा अंधकार है, क्षमा नहीं करना, इतना बड़ा अंधकार है कि आत्मिक आंख अंधा हो जाएगा। कितना खतरनाक मुद्दा है और विषय है, टॉपिक है, जान सकते हैं? इसको नहीं समझे तो कोई भी प्रकाशन आपको समझ में नहीं आएगा। या तो आप जानते हैं प्रकाशन, तो वो ज्ञान हो सकता है आपके रूप में, मिरेकल हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, प्रार्थना करेंगे किसी के विश्वास के कारण से, लेकिन हो सकता है आपका और हमारा जिंदगी रुक सकता है। इसीलिए मिरेकल, हीलिंग, अद्भुत काम, इसके साथ में क्षमा नहीं देना और देना, इसको मत घुसाइए। गिफ्ट है बहुत सारा चीज, वो ऑपरेट होते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दान, उसके वरदान से और उसके बुलाहट से पीछे नहीं हटता है, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति चला जा सकता है, लेकिन गिफ्ट रह सकता है एक व्यक्ति के जीवन में। आज क्षमा नहीं करके बहुत सारे लोग अपने अनंत जीवन को खो बैठे हैं और खो रहे हैं। आइए अरे वचन को देखते हैं, मैं बोल रहा हूं अनंत जीवन खो सकते हैं, हाँ। पहला जो है ना, 3:14-15 क्या लिखता है इसमें? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंचे, मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं कैसे? यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जब हम भाइयों मतलब विश्वासियों से, या तो हमारे 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 इर्द गिर्द में हमारे पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, ओके? जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। वह मृत्यु की दशा में है, हाँ। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वह हत्यारा है, सिंपल बोलता है। हम लोग जब ऊपर देखे तो जब क्षमा नहीं करते हैं तो दुष्ट भी बोले, वचन बोल रहा है, और जो बैर रखता है, क्षमा नहीं करता है, उसी संदर्भ में है, उसको और एक चीज भी बोल रहा है, हत्यारा है, बोल रहा है हत्यारा, ओके, फिर। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। क्या बोल रहा है? और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो चाकू लेके मर्डर करना केवल हत्या नहीं है, बैर रखना हत्या के बराबर है, प्रभु बोलता है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तो घृणा करने वाला व्यक्ति, और विशेष करके जो क्षमा नहीं दे रहा है, कठोरता और अपने अंदर में कुड़कुड़ाहट भर के रखा है, कड़वाहट भर के रखा है, क्षमा नहीं कर रहा है, उसके अंदर में से किसी दिन अनंत जीवन शुरुआत हुआ था, लेकिन अब अनंत जीवन नहीं है, अनंत जीवन चला गया है, नहीं रहता है, नहीं है उसके जीवन, बोल रहा है। सो इस चीज को फिर से ठीक ठाक कर ले अपने परिवार में। बहुत सारा मैटर होता है, सास और बहू, बाप और बेटे, माँ और बच्चे, पेरेंट्स, रिश्तेदार, बहुत सारे बातें हैं, कैसे है, क्या है परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप, हम एक दूसरे को अगर क्षमा नहीं करते। लास्टली मैं उन बातों को लेके जाना चाहता हूं, क्षमा अगर देते हैं आप तो भरपूरी का आशीष मिलेगा, भरपूरी का। बहुत लोग इस सीक्रेट में जी रहे हैं, उनके पास में बहुत बड़ा बड़ा प्रकाशन नहीं है, लेकिन उनका हार्ट ऐसे कंडीशन्ड है, क्षमा देने के मामले में चुटकी भर में जमा दे देते हैं,
और परमेश्वर को भयंकर प्रमोशन देता है इस क्वालिटी के कारण से, क्योंकि ये एक ऐसा क्वालिटी है ना परमेश्वर को ना दिल को छू बैठता है, क्षमा देने वाला बात। जब क्षमा देते हैं ना, यू डोंट नो, यू कैन बी प्रमोटेड टू वेरी हाई लेवल। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए, एक सुंदर उदाहरण है, वो है जोसेफ, पुराना नियम का जोसेफ, जो 12 भाई गोत्र में से एक गोत्र में से था। जानते हैं जब जोसेफ के भाई लोग मिस्र देश में आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये उसका भाई है, उस समय तो एक सीन क्रिएट होता है, ओके? एक दूसरे से गले लगते हैं, वो लोग तो डरते हैं, जोसेफ हम लोग को कहीं मार ना दे, प्राइम मिनिस्टर हो गया है, हम लोग तो इतना बुराई किए थे, घृणा किए थे, बेच दिए थे, कुएं में डाल दिए थे, हत्या करना चाह रहे थे। वो भाई आज बहुत बड़ा पोस्ट में है, बल्कि लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उस जगह अपना क्षमा को दिखाता है। लेकिन उसके बाद में भी उनके भाइयों के जीवन में घबराहट और डर आता है, कब? जब याकूब मर जाता है, और याकूब बोले रहता है कि मैं कनान में ही जगह जहां पर चुना गया है वहीं पर मुझे दफनाना। तो मिस्र देश से उसके बॉडी को कनान देश ले जाते हैं और दफनान के लौटते हैं, तो उसके भाई लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि बाप तो मर गया, बाप को तो यूसुफ बहुत प्यार करता था, उसका कहना मानता था, ओके, अब पिता तो मर गया है, कहीं ऐसा ना हो पिता के मरने के बाद में ये हम लोगों को टॉर्चर करे या प्रताड़ित करे या तो हम लोग को मार डाले, वो सीन है, ओके, बाप को दफनाने के बाद में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, उत्पत्ति 50 उसका 15 से लेके 21 क्या लिखते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, हाँ? तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े। हाँ, अभी बाप तो मर गया, कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ हमारे पीछे पड़ जाए। और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। तो बहुत बुराई किया था और हमसे पूरा पलटा तो ना ले ले, बोल के डर गए लोग। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, हाँ? तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, हाँ? कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। ऐसे पापा ना ऐसे बोला था, बोल के हम लोग जाके बोलेंगे, पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि बाप को बहुत इज्जत करता था ना यूसुफ, याकूब के बात को, तो अपने भाइयों को क्षमा कर देना ऐसे बोला था, हम लोग उस बात को आपको पहुंचा रहे हैं, बल्कि डर के मारे ऐसे बोलेंगे, बोलते हैं, ओके। फिर आगे, हमने तुझसे बुराई की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उनका ये बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा। मैं सो रोने का दो कारण हो सकता है, एक तो पिता ने ऐसा बोला था, ऐसे ये लोग जब बोले तो वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, जब समझते हैं कि मैं लोग को क्षमा कर दिया हूं, फिर भी मेरे भाई लोग क्यों डर डर के रह रहे हैं मेरे पास में, बेवकूफ था क्या यूसुफ, नहीं जानेगा, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका दिमाग कितना चोखा है, जो विजन को इंटरप्रेट करता था, ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता था, परमेश्वर का आत्मा में चलता था, वो भापने नहीं पाएगा कि उसके भाई लोग जो उससे बड़े हैं, दादा लोग, डर डर के रह रहे हैं। मैं क्षमा कर दिया हूं, लेकिन मेरे सामने मेरे भाई लोग, मेरे दादा लोग डर डर के रह रहे हैं, बोलके वो रोया होगा, उसलिए रोया है, ओके। फिर वो क्लियर करता है कि भाई मैं किस गहराई से तुम लोगों को क्षमा किया हूं, नीचे पढ़ेंगे, देखिए। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। हाँ, देखिए यूसुफ क्या बोल रहा है, क्योंकि भाप लिया है कि लोग डर डर के रह रहे हैं, क्या बोलता है, मत डरो बोल रहा है। हाँ, फिर क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ जो तुम लोग मेरे सामने घुटना टेक रहे हो। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हाँ, तुम लोग बुराई के सोच विचार किए थे, लेकिन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। आज क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, कलीसिया के अंदर में कोई व्यक्ति कुछ बुरा हम लोग के बोल दिया, बुरा कर दिया, तो उसके बुराई के पीछे कुछ अच्छा चीज मेरे साथ में हो सकता है, हो सकता है परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, या तो एक पॉजिटिव चीज मेरे साथ हो सकता है, इसका हम लोग कभी कल्पना नहीं करते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ में कोई बुराई किया, लेकिन उस बुराई को आपने सह लिया, तो आपका फायदा हुआ कि नहीं, आप में सहनशीलता है, वो निकला कि नहीं, परमेश्वर उसको देखेगा कि नहीं। तो यूसुफ पॉजिटिव चीज को निकाल रहा है, तुम लोग बुराई तो सोचा था, लेकिन परमेश्वर उसको उससे भला चीज किया मेरे लिए, क्यों घबराते, क्यों डर रहे हो तुम लोग, कितना पॉजिटिव चीज को पकड़ रही है, और उसका हृदय पूरा क्लियर है, कितना साफ है, एक हाई लेवल स्टैंडर्ड का माफी है, ये है स्टैंडर्ड।
और इस लेवल का स्टैंडर्ड जब रहता है क्षमा का, तो कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनेगा? प्रेज गॉड। कोई अपने कंपनी में प्रमोशन क्यों नहीं पाएगा? कोई अपना लाइफ में एक्सेल क्यों नहीं करेगा? उन्नति क्यों नहीं करेगा? इसीलिए मैं कहता हूं, अगर कई एक चीज जो है आपका प्रमोशन, आपका उन्नति क्षमा नहीं देने के कारण से रुका हुआ है, अगर आप क्षमा दे देंगे, आज क्लियर कर देंगे, तो आप अपने जीवन में एक प्रमोशन को देखेंगे, एक तरक्की को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मामूली बात नहीं है क्षमा देने वाली बात। आज क्षमा देने वाली बात को कई जगह चर्च में प्रचार नहीं किया जाता है, बड़े बड़े प्रकाशन दिए जाते हैं, लेकिन क्षमा वाला बात टीच नहीं किया जाता है। और कलीसिया को शैतान कहीं ना कहीं दबा रहा है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ, प्राण बचे बोल के परमेश्वर उससे भलाई को निकाल दिया मेरे लिए, बोलता है। फिर आगे, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। मत डरो, मैं तुम्हारा और आश्वासन और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करते रहूंगा। हाँ, फिर इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। इस प्रकार उनको समझा बुझा कर उसने शांति दी। प्रेज गॉड। अगर ये व्यक्ति क्षमा नहीं किया रहता, जो दृष्टांत में जैसा गला पकड़ने वाला बात था, अगर गला पकड़े रहता तो मालूम है, बेंजामिन तो छोटा भाई है सबसे, उसको तो प्यार करता था, उसको बचा लेता था, ओके, लेकिन बाकी 10 भाइयों को और उसके पूरे खानदान को खत्म कर सकता था। और घृणा इतना खतरनाक है कि बहुत बड़ा परमेश्वर का प्लान को नष्ट कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने क्षमा देने वाला हृदय यूसुफ को दिया और इतना बड़ा पोस्ट में लेकर आया कि अकाल के टाइम में उसके खानदान के लोग बच गए, ओके। लेकिन अगर मार देता तो कौन मरता मालूम? इन 10 गोत्रों में एक गोत्र जिससे यीशु आने वाला था, वो है यहूदा का गोत्र। यीशु का प्रकट होने वाला चैनल को खत्म कर देता। घृणा इतना खतरनाक हो सकता था कि यीशु जिस चैनल से, यहूदा के वंश से आने वाला, वो चैनल बंद हो सकता था। मालूम, जब हम घृणा करते हैं तो यीशु को कहीं पर प्रकट होने का चैनल को बंद कर देते हैं हम लोग। हम क्षमा करेंगे ना तो हमारे जीवन से यीशु दिखाई देगा। हम जहां जहां क्षमा करेंगे ना, वहां पर यीशु प्रकट होगा, क्योंकि वो चैनल खत्म नहीं होगा। अगर यूसुफ मार दिया रहता ये लोगों को, पूरे खानदान को, तो यहूदा के वंश से जो यीशु आने वाला था, वो भी चैप्टर खत्म हो गया रहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, पावर ऑफ फॉरगिवनेस कितना तगड़ा और बड़ा बात है। प्रेज गॉड। प्रभु आपको प्रमोशन देना चाहता है। किसी के प्रति भी कोई भी बैर है, आज क्षमा कर दीजिए। इनकेस आने वाले दिनों में भी आएगा तो इस शिक्षा को हमें इसे याद रखिएगा और जितना जल्दी हो सके उसे क्षमा कीजिएगा। Praise God. Hallelujah. Amen. पहला सीन जो है उसको बाद में आप लोग पढ़िएगा, उत्पत्ति 45 उसका 14 से 15। जब भाई लोग को नहीं पढ़ेंगे अभी, भाई लोग को पता चलता है कि अरे ये प्रिवील करता है कि मैं यूसुफ हूं बोलकर पहले, तब वो लोग एक दूसरे से लिपट कर किस तरह से रोते हैं। यूसुफ उसे लिपट जाता है और आंसू बहाता है, ओके, घृणा नहीं करता है उनको, बैर नहीं करता, चिपक जाता है। मेरे भाई लोग आए, ओ कैसा सीन था होगा। मैं कभी कभी इसको पढ़ता हूं तो मेरे आंखों से आंसू बहती है। प्रेज गॉड। और एक व्यक्ति है, वो है अय्यूब, ओके? अय्यूब, उसके 3 मित्र वरन 4 मित्र आए जब अय्यूब दुर्दशा में था, या तो परीक्षा हो रही थी उसकी। एक ही दिन में कंगाल हो गया, उसके शरीर में फोड़े निकले हैं, पत्नी उसको छोड़ के भाग गई है, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो 3 दोस्त लोग आए, शुरुआत तो बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोले, अच्छा अच्छा बोले, लेकिन धीरे धीरे उनका भाषा चेंज होने लगा और याकूब को का दिल को छलनी कर देने वाले बातों को लेकर आए, उसका दोष निकालने लगे और उसका दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब एक समय ऐसा आया, फिर परमेश्वर अय्यूब से बातें किया, लास्ट में क्या बोलता है, जब समय पूरा हो गया कि इसका परीक्षा खत्म हो जाए अभी, तो परमेश्वर अय्यूब से और उसके मित्रों से क्या बोल रहा है पढ़ेंगे। अय्यूब 42 उसका 7 से 10, बहुत बारीक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेगा। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास या अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही।
इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हाँ, तुम लोग बलिदान लेकर आओ और अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, अय्यूब के पास जाना। हाँ, फिर तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यहाँ पर अय्यूब के लिए एक टेस्ट छोड़ा परमेश्वर कि इतना चोट दिए हैं। ओके, अय्यूब अभी टेस्टेड होगा, उसके दिल में इनकी प्रतिक्रिया है पता चलेगा। ओके, अय्यूब प्रार्थना करेगा, पढ़ेंगे, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। और एक हृदय जो क्षमा नहीं दिए रहता है वहां से प्रार्थना सही नहीं निकल सकता है कभी, और इसी चीज को ग्रहण नहीं करेगा। तो अय्यूब के हृदय में इनके प्रति कोई बैर और कड़वाहट नहीं है। कैसे अपने आप को संभाल के रखा था सोचिए, दिल तो टूटा है, चोट लगने वाला बात पढ़िएगा ना, कितना सारा तीनों मित्र मिलके क्या क्या ना जाने इसको बोले हैं। ओके, लेकिन अय्यूब क्षमा कर दिया है। फिर आगे पढ़ेंगे, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। हाँ। यह सुन तेमानी एलीपज सूही बिल्दाद और नमाती सोपे तीनों दोस्त हाँ। सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की फिर लिखता है क्या, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब इसका मतलब प्रार्थना जो अय्यूब कर रहा है उसके बाद वाला घटना अय्यूब का प्रार्थना का क्वालिटी के कारण से हुआ है, जिस प्रकार से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। आगे देखिए, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। बोलते जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, मतलब दिल से प्रार्थना किया, तो बोला प्रभु इनको क्षमा कर दे, मेरे को भी चोट पहुंचाया था, मैं भी क्षमा करता हूँ इनको, इनको माफ कर दे। जब इस तरह से बोलता है तब परमेश्वर अय्यूब का सारा दुख दूर किया। ओके, और अय्यूब को उसको दुगना आशीष दिया। यहाँ भी प्रमोशन देखते हैं। तो अय्यूब को परमेश्वर टेस्ट छोड़ा था कि ये प्रार्थना का लाइफ या तो प्रार्थना इसका का प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है कि नहीं, होया कि नहीं। हार्ट जो है ना, इसमें किसी प्रकार का नहीं क्षमा देने वाला स्पिरिट नहीं बैठना चाहिए, तब जाके वो प्रेयर ना इफेक्टिव होता है। नहीं तो आप 1 घंटा बड़बड़ाते रहेंगे, वो प्रार्थना 1 घंटा किया आपको तसल्ली लगेगा, कुछ चीज हिलेगा नहीं आपके लाइफ में। ये बात हमें से याद रखिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं सारा चीज नहीं पढ़वाऊंगा, मरकुस 11 उसका 20 से 26, वहां पर एक घटना ऐसे घटा है, एक अंजीर का वृक्ष को यीशु मसीह श्राप दे देता है और अंजीर का वृक्ष ऊपर से नीचे तक सूख जाता है। दूसरे दिन चेले लोग वहां से गुजरते हैं, यीशु मसीह उनको लेके जाता है, तो पतरस बोलता है प्रभु देख यहां पर कल इस अंजीर का वृक्ष को आपने श्राप दिया था और सूख गया है। तो यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर उनको सेमिनार करता है, घोषणा करने के विषय में, आज्ञा देने के विषय में और प्रार्थना करने के विषय में सिखाता है। तो बोलता है यदि तुम इस समुद्र इस पहाड़ से कहो जाकर समुद्र में जा पड़ और संदेह ना करो और प्रतीति कर लो तो ऐसा ही होगा, कहने के विषय में सिखाता है। उसके बाद प्रार्थना करने के विषय में सिखाता है। प्रार्थना करने के विषय में क्या सिखाता है, वो कहता है 24 पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, देखिए तो, प्रार्थना का इस प्रकार का प्रतीति कर लो तुम्हें मिल जाएगा, असरदार प्रार्थना के विषय में बता रहा है और उसमें मेन मुद्दा में आ जाता है, यदि तुम खड़े होकर प्रार्थना करते रहो और किसी के विरोध में कुछ बात है तो क्षमा कर दो। क्यों, कुछ टॉपिक और बोल रहा था, सिखा रहा था, सिखाते क्षमा के विषय में क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ बात है। क्षमा नहीं देना बहुत सारा चीज को रोक सकता है, इवन प्रार्थना को रोक सकता है, आपका प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। आगे पढ़ेंगे, तो क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। नहीं करेगा, क्षमा नहीं करोगे तो नहीं करेगा। ये वचन को खामखियाली मत लीजिएगा, कमजोर मत लीजिएगा, जो लिखा हुआ है वैसी है, वो इधर उधर नहीं किया जा सकता है। हम लोग इस विषय में मनन नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारे टीचिंग्स तो सुनते हैं लेकिन क्षमा देने के विषय में हम लोग कल्पना नहीं करते हैं। देखिए नीति वचन 17:19 17:9 मैं पढ़ रहा हूँ,
मैं पढ़ रहा हूं यहां पर क्या लिखा है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है। वाह क्या बात लिखा है, जो अपराध को ढांप देता है असल में क्या चीज का खोजी है मालूम, वो प्रेम का खोजी है। प्रेज गॉड, अगर आपका आप प्रेम के खोजी है ना, अपराधों को ढांपेंगे आप, उसको उछालेंगे नहीं, उसको उजागर नहीं करेंगे, वो डंका नहीं पीटेंगे। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्षमा दिए हैं बोलेंगे, लेकिन वो पॉइंट को बात को बार 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 छेड़ते रहेंगे हम लोग, फिर बोलेंगे लास्ट में हम क्षमा कर दिए, हम एक्चुअली क्षमा कर दिए। ये किस प्रकार का क्षमा भाई, क्षमा मतलब क्षमा, उसको किसी के पास में भी चर्चा नहीं करना है, किसी के पास में बोलना नहीं है, इसलिए चेक करके देखें, क्योंकि क्षमा देने वाला बात पैसा का हिसाब किताब जितना क्लियर रहता है ना, 10 पैसा इधर या 5 पैसा उधर पूरा बराबर पता चल सकता है ना, उसी तरह से क्षमा वाला बात परमेश्वर के राज्य में पूरा पूरा पता चल सकता है कि तुमने दिया है कि नहीं दिया है, और कितना दिया है या कितना और क्षमा करना है, कैसे करना है, पूरा क्षमा किया है कि नहीं किया है, पूरा हिसाब हो सकता है। जैसे पैसा हिसाब हो सकता है, क्षमा देने वाला भी पूरा हिसाब हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो दृष्टांत को हमने देखा, वो जो व्यक्ति जो इतना बड़ा कर्जा से उसको माफ मिला था, छोटा सा अमाउंट था, उसको माफी नहीं देने सका। आप और हम कितने ना जाने पाप किए हैं वो आप जानते हैं और हम जानते हैं प्रभु के सामने में, हम सोचते क्या है, कितना गंदा सोच विचार सब रहता है। लेकिन आज कोई व्यक्ति आपके सामने हमारे सामने रहता है, छोटा सा कोई भूल किया रहता है, हम लोग माफी देने नहीं जानते उसको, हमारे विरुद्ध रहता है, हमको चोट पहुंचा रहता है। क्या हमने, क्या आपने अपने जीवन में किसी को चोट नहीं पहुंचा है, आपको ही चोट लगता है, आपके द्वारा से दूसरों को चोट नहीं लगता है। ये समझ लेना कि मेरे द्वारा से किसी को चोट नहीं लगता है एक बहुत बड़ा और भूल है। हम सब चीज में ठीक है, हमको चोट लगता ही नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि आपको आपके द्वारा से किसी को चोट नहीं लगा, क्यों, क्योंकि आप कान में सुनने नहीं आया, नहीं सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने चोट नहीं पहुंचा है, आप तक खबर नहीं मिला है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि आपके द्वारा से चोट नहीं लगा। आए दिन हम लोग एक दूसरे को चोट देते रहते हैं, मेरे से बहुत लोग चोट खाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई चोट खाया है क्या, कुछ बात तो है क्या, पूछ लेते हैं। लेकिन जब पता चल जाता है कि चोट खाया है तो तुरंत उसको सेटल करने के लिए हम भागते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह से आपको और हमको सबको होना है, जीरो बैलेंस, परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं, प्रभु का उपस्थिति कभी नहीं भागेगा और अनंत जीवन हम में बसा रहेगा, और हम आंख बंद करेंगे तो प्रभु के सामने आंख खोलने पाएंगे। और अगर हम लोग दुष्टता का चाल चलेंगे, क्षमा नहीं किए रहेंगे, तो अधलोक में नरक में आंख खुलेगा। ये बहुत खतरनाक चीज है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस मैसेज के लिए, प्रभु जी शिक्षा के लिए। प्रभु जी लॉर्ड, हमें तो अपने आत्मा प्रदान कर, प्रकाशित कर प्रभु जी, कि कहां कहां प्रभु जी पाई पाई हमने क्षमा नहीं किया लॉर्ड, कहीं उसके कारण से तो कोई चीज हमको ताड़ना नहीं दे रहा है, कोई डिमेंस प्रभु जी हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु हम पाई पाई प्रभु जी क्षमा देना चाहते हैं लॉर्ड, और क्षमा करना चाहते हैं प्रभु जी, इसमें हमें अगुवाई कर, हमें आगे लेके चल प्रभु परमेश्वर पिता। हम लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, कलीसिया के लोगों के साथ में अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं प्रभु जी, इसमें आप सहायता और मदद कीजिए लॉर्ड। जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी प्रज्वलित कर प्रभु जी, और परमेश्वर आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, और ऐसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दीजिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए, और इस चैनल को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा से आशीषित होने पाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।